होता क्या है, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है और लंबे समय तक हाई रहता है, तो आपकी खून की नसों में प्रेशर इतना रहता है कि वो उनकी इलास्टिसिटी, उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी एडजस्टेबिलिटी, ये सब डैमेज और इंटरनल डैमेज होता है उसमें। अगर आपके अंदर खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होना है, तो वो उस नस में ज्यादा होगा जिसमें लगातार ब्लड प्रेशर ज्यादा है, रैदर देन उसमें जिसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाली खून की नस की जो कंप्लायंस है वो ज्यादा बेहतर होगी, एडजस्टेबिलिटी ज्यादा बेहतर होगी, उसकी हेल्थ ज्यादा बेहतर होगी। और हाई ब्लड प्रेशर वाली खून की नस ज्यादा देर ऐसे ऐसे कड़क है, कड़क है, कड़क है, कड़क है, कड़क है, ऑब्वियसली उसमें दिक्कत होगी। सो इसी वजह से हाई बीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाई हार्ट अटैक के चांस कारण बनती है। सो ब्लड प्रेशर को कम रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में, और साथ ही जब हार्ट अटैक हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कम रखने से आपके हार्ट के ऊपर का प्रेशर, बिकॉज हार्ट हैज टू पुश अगेंस्ट दैट ब्लड प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर उसके अगेंस्ट पुश करना उतना ही मुश्किल होता है, तो वो भी एक मुश्किल टास्क है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना जरूरी है, नॉर्मल टारगेट होना चाहिए 130/90 के नीचे, दैट इज शुड बी योर टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स।